as we all know that 21st century is a technology growth driver. And we also know that India has made many strides, in particularly in IT sector. So sir, I just want to ask that is it good for India? Because most of the youth, which is talented, and they shift to other developed nations, due to which our nation is not achieving anything more. Angus Madison bolke ek economist the. उनके जिंदगी का एक ही काम था आप समझते हो जीडीपी क्या होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट विच इज अबाउट हाउ रिच अ कंट्री इज उनका पूरे जिंदगी का खाली एक काम था फर्स्ट एडी से लेके 2003 तक हर साल का उन्होंने पूरे ग्लोब का जीडीपी निकाला यानी 180 280 380 टिल 2003 हर साल का जितनी कंट्रीज है दुनिया में करीब 200 कंट्रीज है उन सारी कंट्रीज का उन्होंने जीडीपी निकाला जब उन्होंने ये चीज निकाला आपको पता है बड़ी आपको जान के ये हैरानी होगी फर्स्ट एडी से लेके 1500 एडी तक आप सोचो अभी भी 2017 ही चल रहा है तो मैं पिछले 2000 साल में 1500 साल विच इज 3/4 ऑफ द लास्ट 2000 ईयर्स नंबर 1 जीडीपी ऑफ द वर्ल्ड वाज इंडिया नंबर 2 वाज चाइना यूरोप और यूएस तो कहीं मैप में भी नहीं थे उस टाइम आदिवासी थे वो ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं क्योंकि हमें उनकी तरफ कुछ गलत तरीके से सोचना चाहिए बट द फैक्ट इज दिस यूरोप एंड द यूएस वर फॉरेस्ट्स एट दैट टाइम ये है 0 से 1500 एडी तक 1500 एडी से चाइना बिकेम नंबर 1 इंडिया बिकेम नंबर 2 एंड फ्रॉम 1800s China and India both completely sunk because the Industrial Revolution happened and then Europe came up. So it's only been 200 years that Europe and US uchal kud kar rahe hain. Aur aapko hume aisa lagna hai ki, you know, they are people who are very literate or they are very advanced or this and that.